कांड साखे वृद्धार्थ परिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण 22वें कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें यद्वै तन्नपश्यति इत्यादि संबंधम भक्तों वृत्तम कीर्तयति। अगली कंडिका है यद्वै तन्नपश्यति, पश्चन वै तन्नपश्यति की वाक्य है। उस कंडिका के पूर्व के साथ संबंध कहना है, पूर्व कंडिका के साथ संबंध दिखाना है, क्या संबंध है पूर्वापर कंडिका का। तो पूर्व कंडिका में था तब यदा स्त्रिया प्रिया स्त्रिया संपर शक्तो न बाह्य कंचन वेदा न अंतरम कंचन इत्यादि कहा था। इसलिए बोलते हैं अपने प्रिय स्त्री के साथ में जो एकत्व करके बैठा हुआ व्यक्ति है उसका में बाहर क्या हो रहा है विशेष ज्ञान नहीं होता, भीतर घर के भीतर क्या होता विशेष ज्ञान नहीं होता इत्यादि कहा, पूर्व कंडिका में कहा था। वैसी स्थिति है प्राज्ञात्मा में है, जब सुषुप्ति अवस्था में जाता है तो प्राज्ञ भाव में रहता है, क्रमातृत्व नहीं है उस काल में। न जानता जागृत का वस्तु को जानता है, न स्वप्न की वस्तु को जानता है, उस काल में नहीं जानता, प्राज्ञ अवस्था में नहीं जानता, मतलब विशेष ज्ञान का अभाव हो जाता है उस काल में। सामान्य ज्ञान है, जैसे स्त्री के साथ एकत्व प्राप्त किया पुरुष का सामान्य ज्ञान तो है, विशेष ज्ञान नहीं है, बाहर के विषयों का ज्ञान नहीं है, घर के भीतर के विषयों का ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान है, ज्ञान का अभाव नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार प्राज्ञ आत्मा में जब एकत्व हो जाता है प्रमाता प्राज्ञ रूप में हो जाता है, उस काल में जागृत के विषय को विशेष ज्ञान नहीं है, स्वप्न विषय विशेष ज्ञान है स्वप्न के विषय का, जहाँ प्रमाता प्रमेय प्रमाण वगैरह होना है वो नहीं जानता, किंतु अपना स्वरूप ज्ञान है वह, ये कहना है। यद्वै तन्नपश्यति इत्यादि का अगली कंडिका आगे मंत्र आने वाला है, यद्वै तन्नपश्यति इत्यादि मंत्र आने वाला है, उसका संबंध भक्तों पूर्व के साथ संबंध कहना है, पूर्व कंडिका के साथ संबंध कहने के लिए वृत्तम कीर्तन जी पूर्व की बात को थोड़ा कथन करते हैं। कहा छः नंबर की टिप्पणी में कहा है पूर्ववाक्य अनुसार संबंध किस विधान पूर्ववाक्य पूर्वाक्य संबंध का त्रिपुंसयोर भाष्य में कहा त्रिपुंसयोर एकत्वात्, जैसे स्त्री और पुरुष एकत्व होने के कारण बाह्य पदार्थ को नहीं जानते भीतर के पदार्थ को नहीं जानते तो अपना ज्ञान है उनका उसका। ठीक इसी प्रकार एकत्वात् यहाँ भी प्राज्ञ अवस्था में एकत्व होने के कारण द्वैत नहीं है, प्रमाता प्रमेय प्रमाण आदि का अभाव है, इसलिए त्रिपुंसयोर स्त्री पुरुष के समान एकत्वात् एकत्व होने से न पश्यति उत्तम न किं बाह्यम किंचन भेदा नाम कहा था, न नहीं जानता है कहा था। स्वयं ज्योति क्या उत्तम स्वयं ज्योति भी कहा, स्वयं ज्योति बताया न पश्यति भी बताया, कई कारण था। तो एक नंबर टिप्पणी बताया है परेण सह जीवस, जैसे स्त्री और पुरुष का संबंध होता है उसी के प्रकार परमात्मा के साथ प्राज्ञ के साथ में जीव का एकत्व रखा उसका ईश्वर भाव में है, इसी कारण न पश्यति उत्तम न पश्यति कहा उस काल में नहीं जानता ये कहा था। और स्वयं ज्योति ये भी बताया स्वयं ज्योतिषोम नाम, स्वयं ज्योति माने क्या है स्वयं ज्योति, स्वयं ज्योति क्या है कहते हैं चैतन्य आत्म स्वभाव स्वभाव था, चैतन्य स्वरूप जो आत्मा का स्वभाव को ही स्वयं ज्योति बोला जाता है, स्वयं ज्योतिष बोला जाता है, चैतन्य आत्म स्वभाव माने जड़ स्वभाव नहीं चैतन्य आत्म स्वभाव है, चैतन्य स्वरूप स्वभाव, इसको स्वयं ज्योतिष कहा जाता है। एक कहा दो नंबर के लोगों कहा चैतन्यम आत्म स्वभाव ऐसा चेतन ही चैतन्य ही अपना स्वरूप है जिसका, चेतन से अतिरिक्त कोई स्वरूप नहीं जिसका, उसी को कहा जाता है चैतन्य स्वभाव, और उस धर्म आएगा चैतन्य स्वभाव था। अपूर्वादि शंका करता है यदि ही अग्नि उष्णत्वादिवत चैतन्यत्म स्वभाव आत्मा सब कथम एकत्व स्वभाव न जैया न जानिया, तो पूर्वादि की शंका है यदि अग्नि के उष्णता के समान, जैसे अग्नि में उष्णता कभी भी छोड़ना नहीं है, अग्नि की उष्णता अग्नि स्वरूप ही हो, इसी प्रकार अग्नि के उष्णत्वादि के समान इत्यादि चैतन्य चैतन्यात्म स्वभाव आत्मा, आत्मा यदि चैतन्य स्वभाव वाला है चेतन ही चेतन है यदि आत्मा ऐसा है तो स्वने वा आत्मा चैतन्य स्वभाव आत्मा कदम एकत्व स्वभाव हो गया, एकत्व काल में अपने स्वभाव को
क्यों त्यागे, नहीं त्यागे प्राग्ञ अवस्था में सुषुप्ति अवस्था में क्यों अपना स्वभाव त्यागे, चैतन्य वहाँ भी ज्ञान होना चाहिए, चैतन्य का ज्ञान नहीं होता क्यों छोड़ेगा, जैसे अग्नि की उष्णता अग्नि के साथ है तो क्यों उष्णता अग्नि का स्वरूप है, इसी प्रकार यदि चैतन्य आत्म का स्वरूप है तो सुषुप्ति काल में चैतन्य को क्यों छोड़ता है, क्यों त्याग देता है, न जानिया न जाइया क्यों नहीं जानता अपने स्वरूप को उस काल में, न केंद्र बाह्य नान्तरम केंद्र में इत्यादि का उसी कारण है, उसके लिए बताया। तो यदि आत्मा का स्वभाव चैतन्य स्वभाव है आत्मा, तो फिर सुषुप्ति काल में उस चैतन्य को क्यों त्याग देता है, अपने को क्यों नहीं जानता, चैतन्य चेतन हो तो अपने को जानना चाहिए, सुषुप्ति में नहीं जानता बोला है पूर्व कंडिका में। चार तीन और चार के टिप्पण में कहते हैं, तीन में कहा यदि आत्मा चेत रूप चेत, यदि आत्मा चेतन स्वरूप है पूर्वादि की संज्ञा में है, कामादिवत चैतन्य मत है, जैसे कामादि को त्याग देता उस काल में सुषुप्ति काल में इच्छा आदि नहीं होती त्यागता है, इस प्रकार चैतन्य यदि आत्मा का स्वरूप हो तो इसको त्यागना नहीं चाहिए, जैसे त्याग देता चैतन्य में भाषित होता उस काल में नहीं त्यागना चाहिए, जैसे काम आदि त्याग देता है इस प्रकार चैतन्य भी चैतन्य को नहीं त्यागना चाहिए, व्यतिरिक्त दिया दृष्टांत। स्वभाव से त्याग अयोगा, अपना स्वभाव जो होगा उसका त्याग हो नहीं सकता, चैतन्य यदि स्वरूप हो आत्मा को तो सुषुप्ति में चैतन्य की उपलब्धि क्यों नहीं होती, एक पूर्वादि की शंका है। अतः चैतन्य नाश्य स्वाभाविक धर्म, इससे क्या हुआ चैतन्य इस आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है, आगंतुक है, जागृत स्वप्न में चैतन्य आ जाता है, सुषुप्ति में नहीं होती चैतन्य, नहीं होता चैतन्य स्वाभाविक न स्वाभाविक धर्म का। सत्य व आत्मा नहीं स्वाभाविक आत्मा है, यदि स्वभाव हो स्वरूप हो चैतन्य तो उसका सुषुप्ति अवस्था में उसका अभाव दिख रहा है, चैतन्य का अभाव, चेतन हो ऐसा ज्ञान नहीं होता उसका। सत्य व आत्मा ने आत्मा तो है वह, आत्मा के होते हुए भी सुषुप्ति अवस्था पे वाले सुषुप्ति अवस्था में तद अभाव चैतन्य अभाव चैतन्य होने से संयोग आदि वाले आगंतुक आगंतुक मानेंगे, यदि संयोग जैसा है चैतन्य आगंतुक है, जैसे संयोग कभी होता है कभी वियोग होता है आगंतुक है, इसी प्रकार चैतन्य में आगंतुक है, जागृत स्वप्न में आ जाता है सुषुप्ति में लोप हो जाता है, ऐसा माना जाए संयोग आदि वत आगंतुक भी न असम आत्मा स्वतः धर्म, फिर भी आत्मा का धर्म नहीं होता, स्वाभाविक धर्म नहीं होगा आत्मा का चैतन्य, तब धर्म तो भी आत्मधर्म मानेंगे और आगंतुक मानेंगे तब भी तथा वह चैतन्य वाले सुषुप्तोत्तर नाश है, यदि आत्मधर्म हो फिर भी चैतन्य के समान सुषुप्त में नाश हो जाएगा, धर्म मानने पर भी नाश होगा, स्वरूप नहीं धर्म भी धर्म मानने पर भी नाश होगा, धर्म चैतन्य वास्ता नहीं उस काल में सुषुप्त में, धर्म मानने पर भी नहीं चैतन्य और स्वरूप मानने पर भी नहीं होता, दोनों नहीं हो रहा है, आत्मना धर्म नाशे धर्म नाशात, आत्मा आत्मनाश धर्म नाशे धर्म धर्म नाशात कहते हैं, तो तन्नाश मतलब आत्मनाश धर्म धर्मनाशे धर्म नाशात, धर्म नहीं तो धर्म ही नहीं आत्मा नहीं, ये पूर्वादि कहता है आत्मा जड़ है वह, इसलिए आत्मा जड़ है ये सिद्ध करते हैं पूर्वादि, आत्मा चेतन नहीं है जड़ है ये पूर्वादि ने कहा। आगे चार के टिप्पणी कहा स्वभावों के अधिक से उदाहरण कहा सब कथम एकत्व भी स्वभाव, यदि चैतन्य स्वरूप हो तो प्राज्ञादि का आत्मा के साथ एकत्व होने पर अपना स्वभाव चैतन्य को कैसे त्यागेगा, न जानी आदि उसी का विवरण व्याख्या जयाद का व्याख्या है, अपने को क्यों नहीं जानता उसका यदि चेतन हो तो, इसलिए आत्मा जड़ है ये कहना जा रहा है अथा न जाना न जाती भाषण करते, यदि नहीं त्यागता है उसका आदमी चैतन्य को, आत्मा का स्वरूप है चैतन्य आत्मस्वरूप है नहीं त्यागता चैतन्य है विद्यमान है सुषुप्ति ऐसा ही गए पूर्वादि बोल रहा है, अथा न जाती कथम एवं सुषुप्ति तपस्यति, यदि चैतन्य को नहीं त्यागता आत्मा तो सुषुप्ति में क्यों नहीं देखता है, जागरूक स्वप्न में जैसे जानता है देखता है वह क्यों नहीं देखता, विप्रतिषिद्धम ये तब चैतन्य 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 आत्मस्वभाव को न जानाती इच्छा ये विरोध है विप्रतिषिद्धम ये तब, ये तो विरोधी बात है, चैतन्य आत्मस्वभाव ये बोलना चैतन्य आत्मस्वभाव है, आत्मा का स्वभाव चैतन्य है
चेतन रूप है और न जाना थी उससे जानता नहीं, यदि चेतन रूप जाए तो जानना चाहिए, प्रतिष्ठित बात है। ये कहा पांच की टिप्पणी है इस तरह का वे प्रतिष्ठित में थे। आदित्य अप्रकाश है, जैसे कोई बोलता हो आदित्य अप्रकाश, आदित्य प्रकाश रहित है, कहना जितना है अंश में होगा उसी प्रकार ये विरोधी बात है। आदित्य प्रकाश रहित है कहना जैसे विरोध है उस प्रकार आत्मा को चैतन्य मानना और नहीं जानना मानना विप्रतिष्ठित है। ठीक है, न जाना दीजिए दो नंबर टिप्पणी स्तर का, आत्मा चैतन्य मानना और नहीं जानता है मानना विरोधी बात है। सिद्धांत कहते हैं ना करके बोलते हैं ना विप्रतिषिद्धम उभयो अभी उभयम अभी न विप्रतिषिद्धम, सिद्धांत विरोध नहीं है, जहाँ विरोध नहीं है क्यों उभयम अभी ये तत् उपपद्य थे, ये दोनों ही सिद्ध हो जाता है, चैतन्य भी सिद्ध होता है और विशेष ज्ञान का अभाव भी सिद्ध होता है। सुषुप्ति अवस्था में विशेष ज्ञान नहीं क्यों विषयों के अभाव होने से, जागृत स्वप्न में विषय आदि थे विशेष ज्ञान होता था घटपट आदि ज्ञान, किंतु वहाँ विषय के अभाव के कारण विशेष ज्ञान नहीं होता, किंतु अपना स्वरूप ज्ञान है वह सुषुप्ति में। जागृत में आने के बाद कहता है सुखम हम अश्वासम, अपना अपलाप नहीं करता, मैं वहाँ था ऐसा बोलता है, सुख पर ग्रह बोलता है, तो विशेष ज्ञान का अभाव है, अपना स्वरूप का स्वरूप ज्ञान का अभाव नहीं है सुषुप्ति में, ये सिद्धांत बोलना है। ये अगले कंठ का ये कहना है टीका से देखें चकारात उत्तम स्वयं ज्योतिषम समझे, ठीक है स्वयं ज्योति ऋचा में चर्चा दिया, चकार से क्या लेना कहा उत्तम जो पूर्व में स्वयं ज्योतिष सिद्ध किया था उसको लेना, स्वयं ज्योतिष भी है इस स्वयं ज्योतिष ज्ञान भी नहीं होता और न पश्यति उत्तम, क्यों स्वयं ज्योतिष स्वयं ज्योति को भी नहीं जाता है कहा था। आगे टीका में कहते हैं किम इति स्वयं ज्योतिषम, क्या है वो किम इदम स्वयं ज्योतिषम, स्वयं ज्योतिष क्या है किसको स्वयं ज्योति बोलते हैं, प्रश्न उठा तो उत्तर दिया स्वयं ज्योतिषम नाम चैतन्य आत्मस्वभाव होता है, स्वयं ज्योतिष उसी को कहा जाता है चेतन स्वरूप आत्मा, आत्मस्वरूप चेतन आत्मस्वरूप यही होता है, चैतन्य है स्वरूप जिसका आत्मा का स्वरूप चैतन्य ही है, यही है स्वयं ज्योतिष का अर्थ है। ठीक है एवं वृत्तम अनुदेव, पूर्व की बात का अनुवाद हो गया है, पूर्वकंडिका की बात के अनुवाद हो गया है, वृत्तम अनुदेव पूर्वकंडिका की बात का अनुवाद कर उत्तर वाक्य व्यापति हम शंका महा है, आगे जो आने वाली वाक्य है यद वही तन्न पश्यति पश्चिम वही तन्न पश्यति इत्यादि मंत्र है उसके द्वारा खंडनीय जो शंका हो उस शंका को रखते हैं, पूर्वादि शंका उठाता है कहा पूर्वादि बोलता है यदि है अग्नि उष्णत्व आदिवत, जैसे अग्नि का उष्णत्व स्वरूप है कहीं भी अग्नि हो उष्णत्व का अभाव नहीं होता, यदि चैतन्य आत्मा का स्वरूप हो तो सुषुप्ति में भी चैतन्य का ज्ञान होना चाहिए, नहीं होता वहाँ तो चैतन्य आत्मा का स्वभाव नहीं आत्मा जड़ है, ये पूर्वादि बोलना चाहता है। यही है टीका में कहा स्वभाव त्यागम है वह अभिनय नहीं, स्वभाव का त्याग कर अभिनय कर दे न जानिया, यदि उसका स्वभाव हो तो क्यों त्यागता है सुषुप्ति, जानना चाहिए वहाँ भी घटपट आदि विषय को जानना चाहिए, विशेष ज्ञान का अभाव क्यों होता, तो स्वभाव त्याग कहीं अभिनय किया न जानाती ये कहा न जानिया नहीं जानता है उसका, यदि चैतन्य आत्मा का स्वभाव हो तो जानना चाहिए क्यों नहीं जानता वहाँ क्यों त्यागता है इसको। ठीक है तद त्यागा भागे सुषुप्ते विशेष विज्ञान कार्यक्रम अयुक्तम त्याग, उसके त्याग के अभाव में यदि त्याग नहीं है चैतन्य वहाँ है सुषुप्ति अवस्था में आत्मा में तो त्याग का अभाव में सुषुप्ति विशेष विज्ञान कार्यक्रम अयुक्त, फिर विशेष विज्ञान का अभाव नहीं होना चाहिए, यदि चैतन्य हो तो वहाँ भी विशेष विज्ञान होना चाहिए, घट पट मठ होना चाहिए नहीं होता त्यागता है, इसका मतलब आत्मा चेतन नहीं है ये गुरुवार के कहना है। सात की तुमने कहा तब त्याग स्वभाव त्यागाभावे तत्यागाभाव है, स्वभाव का त्याग का अभाव हो तो यदि चैतन्य वहाँ है स्वभाव का त्याग नहीं होता तो उस स्थिति में ज्ञान होना चाहिए विशेष ज्ञान होना चाहिए, क्यों नहीं होता विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है इसका मतलब चैतन्य नहीं है। ठीक है हम कहते हैं अथ इत्यादि वाक्य से कहा अथ न जाति
आत्म नजात यदि त्यागता नहीं है, सुसुप्त में चैतन्य का त्याग नहीं करता आत्मा तो कथम यह सुसुप्त न पश्यति, फिर सुसुप्त में क्यों नहीं त्याग देखता, विशेष ज्ञान क्यों नहीं होता इसको यदि चैतन्य है तो। ये पूर्वादि बोल रहा है ठीक है। आत्मा चिद्रूपो भी सुसुप्त विशेषण न जाना चेत किम दुष्यति इतिहास हो। सिद्धांत की ओर से शंका कर दिया जाए भाई, आत्मा चेतन स्वरूप होने पर भी सुसुप्त अवस्था में विशेषण न जाना, विशेष को नहीं जानता है, चेतन रूप है, स्वरूप ज्ञान है, विशेष नहीं जानता, विषय का अभाव है इसलिए नहीं जानता, ये कहना चाहते हैं। आत्मा चिद्रूप को भी आत्मा चेतन ही है जड़ता ही चेतन रूप होने पर भी सुसुप्त विशेषण न जाना चाहिए, सुसुप्त में विशेष ज्ञान नहीं होता हो तो क्यों दुष्यति, क्या दोष आएगा इसमें। सिद्धांत की ओर से सवाल किया है, आत्मा चेतन स्वरूप होने पर भी सुसुप्त में विशेष ज्ञान नहीं होता तो क्या दोष आएगा इसमें। शंका कर सिद्धांत ने शंका की, पूर्वादी बोलता है विप्रतिष्ठम यथा, ये विरोधी बात है, चैतन्य मानना और नहीं जानना मानना, चेतन हो तो जानना चाहिए, विप्रतिष्ठम यथा चैतन्य चैतन्य आत्मस्वभाव हो, आत्मा का स्वरूप चैतन्य का है, न जाना दीदी चल और नहीं जानता बोला ठीक है। हमें कहते हैं पर सिद्धांत खंडन करने कहा न विप्रतिषिद्धम, ये सिद्धांत बोलते हैं कोई विरोध नहीं है, हाँ चेतन है आत्मा का स्वरूप चेतन है, फिर भी विशेष ज्ञान नहीं होता वहाँ, स्वरूप ज्ञान का अभाव नहीं है, विशेष ज्ञान का अभाव, विषय का अभाव होने से न प्रतिषिद्धम उभय अभी ये तद उभय दोनों ही होगा, चैतन्य भी हो जाएगा और ज्ञानाभाव भी हो जाएगा, दोनों सिद्ध होगा अगले कंडिका में सिद्ध होगा कहना चाहते हैं। उभयम के अर्थ करते हैं ठीक है, उभयम चैतन्य स्वभावत्व विशेष विज्ञान और आहित्व ये दो है, चैतन्य स्वभाव भी है और विशेष विज्ञान का अभाव भी है सुसुप्त अवस्था। उभय स्वीकार्य संकेतम विप्रतिषेधम आकांक्षा पूर्वक श्रुतियाँ निर्णय, दोनों स्वीकार करने पर आत्मा चेतन भी है और विशेष विज्ञान का अभाव भी है, दोनों स्वीकार करने पर संकेतम विप्रतिषेधम पूर्वादि ने शंका उठाई थी विरोध है करके, चैतन्य हो और नहीं जानता होगा ना विरोध होता है कहा था, आकांक्षा पूर्वक श्रुतियाँ निर्णय जिज्ञासा पूर्वक श्रुति के द्वारा ही खंडन किया जाता है, कैसे मनुष्य चेतन भी हो और विशेष ज्ञान का अभाव भी हो कैसे, कथम ये प्रश्न होगा आगे श्रुति के द्वारा ही खंडन होगा, आगे कंटिका आनी है मंत्र आना है, किंतु स्त्री पुरुष योग एकत्वात् में वार्तिक है, तो स्त्री पुरुष योग एकत्वात् न पश्यति उत्तम इसके ऊपर वार्तिक है, ये भी पढ़ने में वार्तिक है। त्रिपुंसयोर इत्यादि न जानाति इति अंते वार्तिके, यहाँ तक वार्तिक में कहा है सूर्य माने त्रिपुंसयोर से लेकर के न जानादि तक जितने अंश न जानाति चाहिए यहाँ तक ये भाष्य पंक्ति में वार्तिक व्याख्या की यहाँ वार्तिक में कहते हैं। चैतन्यम नैव सियात आत्मना काम कर्मवत् धर्मानन्वयत प्राज्ञव अभिचोदिते, पूर्वादि की शंका आ गई चैतन्य में भी नहीं बस आत्मा, आत्मा में चैतन्य भी नहीं है क्यों, काम कर्म जैसे काम कर्मादि नहीं है, इच्छा नहीं आत्मा में सुषुप्ति में देखा, कर्मादि नहीं कोई क्रिया आदि नहीं होती है काम कर्मादि के समान, चैतन्य भी नहीं आत्मा क्यों, धर्म अनन्वयतः किसी असंग कहा है आत्मा को, चैतन्य कैसे रहेगा आत्मा में, चैतन्य धर्म है, धर्म का संबंध असंग ही है पुरुष कहा हुआ है, आत्मा में चैतन्य भी नहीं, जैसे काम कर्मादि नहीं है आत्मा में उसी प्रकार चैतन्य भी नहीं है, एक आत्मवाद धर्मानुवाद प्राज्ञ हो प्राज्ञावस्था है वो इतम अभिचोदित है, इस प्रकार के प्रश्न आने पर पूर्वादि यदि प्रश्न ऐसा करता हो जैसे इच्छा आदि रहित है आत्मा में, इच्छा आदि धर्म आत्मा का होता है सुषुप्ति में भी इच्छा आदि होनी चाहिए क्योंकि नहीं होती आगंतुक है औपाधिक है इच्छा आदि काम कर्मादि, इस प्रकार चैतन्य भी औपाधिक है वास्तव में आत्मधर्म नहीं असंग कहा है ऐसा पूर्वादि ने शंका उठाई, ऐसे प्रश्न आने पर उत्तर में कहते हैं त्रिपुं दृष्टांत वाक्य परिहारश्च दर्शितः विभागहेतुस्वभावात् जागृतत्वमुपलभ्यते,
त्रिपुंग दृष्टांत वाक्य न परिहार दर्शन त्रिपुरुष के दृष्टांत दिया पूर्व का निकाल जैसे उनका संबंध अवस्था में बाह्य पदार्थ को नहीं जानते भीतर के पदार्थ को नहीं जानते किंतु अपना स्वरूप का ज्ञान उनको होता है। बाहर के वस्तु का ज्ञान नहीं है, भीतर घर के भीतर का वस्तु का ज्ञान नहीं है, विशेष ज्ञान नहीं है, स्वभाव स्वरूप ज्ञान है त्रिपुरुष दृष्टांत का। वैसे ही आत्मा भी सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ अवस्था में बाहर का भी नहीं जानता भीतर का भी नहीं जानता, मतलब स्वप्न जागृत स्वप्न की वस्तु को नहीं जानता, विशेष विज्ञान का अभाव है किंतु स्वरूप ज्ञान है इसको। चैतन्य इसका स्वरूप ही है, चैतन्य धर्म नहीं, चैतन्य आत्मा का स्वरूप है, ये सिद्धांत करना चाहते हैं। त्रिपुंग दृष्टांत वाक्य न परिहार दर्शन पूर्व में इसका उत्तर भी दे दिया है चैतन्य भी नहीं है करके पूर्वाद ने कहा, सिद्धांत ने कहा चैतन्य है स्वरूप है जानता है नहीं जानता नहीं, बाह्य विषयों का अभाव के कारण नहीं जानता है किंतु अपना स्वरूप ज्ञान है उसको उसका दर्शन। विभाग है तो असदभाव, देखो जो जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य का जो विभाग कारण था विक्षेप शक्ति, अभी आवरण शक्ति है सुषुप्ति अवस्था में किंतु विभाग का कारण भेद करने वाले कारण विक्षेप शक्ति का अभाव उस काल में, विभाग है तो असदभाव उस काल में विभाग करने वाला जीवत्व तो परमात्मा जो विभाग करने वाला विभाग का अभाव, विभाग करने वाला हेतु नहीं हुआ, वो विक्षेप शक्ति नहीं है रूपांतर में दिखाने वाली शक्ति नहीं है सुषुप्ति अवस्था में, जागृत स्वप्न में रूपांतर में दिखाती थी वो शक्ति विक्षेप शक्ति काम करती थी और विक्षेप हेतु का कारण था वो या विवाह का हेतु का कारण विक्षेप शक्ति का अभाव है उस काल में सुषुप्ति का, विवाह का हेतु असरभाव यही उत्तर दिया। जागृत में नोबल जैसे जागृत में विभाग का कारण था जीवात्मा परमात्मा को भेद परमाता और प्राज्ञ को भेद करने वाला कारण था क्या विक्षेप शक्ति थी, वह विभाग का कारण था इसलिए जागृति के समान उपलब्धि नहीं हो रही वह, क्यों वह विक्षेप शक्ति नहीं हुआ सुषुप्ति में, विक्षेप शक्ति काल में विभाग होता था वहाँ विक्षेप शक्ति का अभाव है इसलिए विशेष ज्ञान नहीं होता है का। अविभागात्मता अव्यातम न पुनः काम कर्मवत साधितम च प्रयत्न स्वयं ज्योतिषमात्मन अविभागात्मता अव्यातम, उस काल में अविभाग रूप में है विक्षेप शक्ति नहीं है विभाग नहीं है परमात्मा से भिन्न होना संभव नहीं उस काल में, अविभागात्मता अव्यातम अविभाग स्वरूप में पहुँचा हुआ है एक होकर बैठा है सुषुप्ति काल में परमात्मा से, न पुनः काम कर्मवत काम कर्म के समान नहीं है, काम कर्म वहाँ नहीं है तो जीवात्मा भी नहीं है बात है, जीव है वहाँ प्राज्ञ रूप में बैठा हुआ है सुषुप्ति अवस्था में, साधितम तो प्रयत्न पहले सिद्ध किया है बहुत प्रयत्न देकर के सिद्ध किया स्वयं ज्योतिष दिखाया है प्रयत्न है ना स्वयं ज्योतिष आत्मना आत्मना स्वयं ज्योतिष आत्मा का जो स्वयं ज्योतिष है चैतन्य स्वरूपता है वह पूर्व प्रयत्न देकर बहुत प्रयत्न करके सिद्ध किया इसको। यद्यात्मा स्वयं ज्योति काम कर्मादि वाले कथम सुषुप्तस्य स्वभावत्वात् चैया चैतन्यम् इत्यतः पूर्वादि की शंका है आगे, यदि आत्मा अयम आत्मा स्वयं ज्योति यदि आत्मा स्वयं प्रकाश है चैतन्य स्वरूप है ये पूर्वादि शंका उठा रहा है, यदि आत्मा ये जो आत्मा अयम आत्मा स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश स्वरूप है चैतन्य स्वरूप है काम कर्मादि वाले कथम सुषुप्ते अस्य स्वभावत्वात् काम कर्मादि को जैसे वहाँ पर कथम काम कर्मादि को जैसे त्याग देता है क्यों इसका स्वभाव नहीं हो, अगर आत्मा का स्वयं ज्योति स्वभाव है तो स्वयं ज्योति को क्यों त्यागता हो, यदि स्वभाव हो जैसे काम कर्मादि उसका स्वरूप नहीं था त्याग दिया उसे सुषुप्ति में नहीं काम कर्मादि, तो चैतन्य यदि आत्मा का स्वभाव हो स्वरूप हो तो वहाँ मिलना चाहिए क्यों नहीं मिलता, मानते स्वभाव नहीं स्वरूप नहीं है चैतन्य पूर्वादि का कहना है सुषुप्त अश स्वभाव सुषुप्ति में इसका स्वभाव होने से चैतन्य स्वभाव होने से चाहे कथम चलेगा कैसे त्यागेगा ये अपने स्वभाव को त्याग नहीं सकता, अग्नि कहीं भी जाए उष्णता को त्याग नहीं सकती, यदि उष्णता हटाएंगे तो अग्नि नाम की वस्तु नहीं, ऐसा स्वभाव कैसे त्यागता है सुषुप्ति का चैतन्य को कैसे त्यागता है ये शंका है पूर्वाद की आगे उसका ही है, नाश्य धर्मो भगे तत् सुषुप्ते तद अदर्शन नात्मधर्मो भी नष्टत्वात् तस्मात चैतन्य मत्र तत्पत्र तत्कार नाश्य धर्म अश्य मैं आत्मा धर्म न आत्मा का धर्म नहीं है चैतन्य पूर्वादि बोल रहा है
धर्म नहीं भवे, आत्मधर्म नहीं हो सकता ये तत्त चैतन्यम सुसुप्ति तत्दर्शना, सुसुप्त तत्व चैतन्य का अभाव देखा गया, चैतन्य भाषता नहीं है, आत्मधर्म नहीं है चैतन्य का। आत्मधर्म को जो विनष्टत्व सुसुप्त नाश हो गया, नाश हो जाता चैतन्य नहीं मिलता, इसलिए आत्मधर्म नहीं है चैतन्य, तो पूर्वाणी का कहना है विनष्टत्व तस्मात चैतन्य आत्मधर्म, उस प्रकार से चैतन्य उस अवस्था में सुसुप्त अवस्था में आत्मधर्म नहीं हो सकता, क्यों नाश हो जाता है, चैतन्य की उपलब्धि नहीं होती, जैसे जागृत में उपलब्धि होती है चैतन्य की, सुसुप्त में नहीं है आत्मधर्म नहीं, पूर्वाणी को कहा है। और भी है अपि विप्रतिषिद्धं च यत् स्वयं ज्योतिरात्मकं प्रत्येक वस्तु न वेत्येति न वेत्येति भवतेहाभिधीयते, अपि विप्रतिषिद्धं च विरोध भी है आपके वाणी में, विरोध भी है गुरुवाणी बोल रहा है, कैसे विप्रतिषिद्ध है यत् स्वयं ज्योति आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप माना आत्मा को, चैतन्य को आत्मा से भिन्न धर्म नहीं माना, स्वरूप माना, स्वरूप मानना, और स्वरूप हो तो आत्मा जब वहाँ सुसुप्ति में है तो चैतन्य क्यों नहीं है, विरोधी है यह तो एक बात है। अभी विप्रतिषिद्धम च विप्रतिषिद्ध विरोध भी है यहाँ, यद स्वयं ज्योतिरात्मा स्वयं ज्योति स्वरूप मानना आत्मा को, और प्रत्येक वस्तु तो प्रत्येक वस्तु ने आत्मा वस्तु स्वयं ज्योति स्वरूप मानना न व्यक्ति और नहीं जानता बोलो, यदि आत्मा चैतन्य स्वरूप हो सुसुप्त में भी जानना चाहिए, विषय को जानना चाहिए, क्यों नहीं जानता, भगवता यहाँ विधि थे आपके द्वारा यहाँ ऐसा कहा जाता है, वो चैतन्य स्वरूप है और नहीं जानता है ऐक्यादनुपदिश्चेत अनेकांतिकता तथा यथो भावेप्य संवित्ति चैतन्य दृश्यते, ऐक्याद अनुपलब्धिश्चेत यदि आप बोलोगे सुषुप्ति काल में एकता हो गई प्राज्ञा के साथ एकता हो गई, इस कारण से नहीं जान उपलब्धि नहीं होती एकत्व के कारण, यदि ऐसा कहे ऐक्यात अनुपलब्धिश्चेत सुसुप्त अवस्था में ऐक्य हो रखा है इसलिए विषयों की उपलब्धि नहीं हो रही, चैतन्य की उपलब्धि नहीं होती, यदि ऐसा बोले सिद्धांत बोले तो कहते अनेक आदिका तथा विचार हो जाएगा, साध्याभाव का अधिक्रम हेतु हो जाएगा, विचार होगा अनेक आदिकता विचार तथा किस प्रकार, ये तो अभाव ये भी असंविद्धि, जहाँ चैतन्य नहीं है मतलब चैतन्य होते हुए नहीं जानता बोल रहे आप, वहाँ सुसुप्ति में चैतन्य है नहीं जानता एकत्व के कारण ऐक्य के कारण ऐसे बोलते हैं, तो चैतन्य का अभाव है, पाषाण में चैतन्य है क्या पत्थर में नहीं है, अभाव में भी वहाँ भी चैतन्य वास्ता नहीं है, तो चैतन्य वहाँ भी नहीं वास्ता है एक आप, तो अभाव में भी चैतन्य का जो अभाव होगा पाषाण में चैतन्य का अभाव है वहाँ भी असंविद्धि अज्ञानी होता है, वहाँ भी चैतन्य का ज्ञान नहीं होता, चैतन्य से यहाँ चैतन्य ऐसे प्रकार दिखाई पड़ता है अभाव दिखाई पड़ता है, ऐक्य के कारण से यदि चैतन्य की उपलब्धि नहीं है वहाँ सुसुप्ति ऐसा बोलेंगे तो पत्थर में भी मान क्या है अभाव है, चैतन्य का अभाव समान है जैसे वहाँ अभाव ऐसे यहाँ भी अभाव है, उसका भी ज्ञान नहीं होता, विचार होगा पूर्वाधिक का इत्यस्य परिहारार्थम परो ग्रंथो बतार्यते, इसी के खंडन करने के लिए उत्तर देने के लिए आगे का ग्रंथ है यद वे तंड पश्यति पश्चिम वे तंड पश्यति आदि ग्रंथ है कहा, इत्यस्य परिहारार्थम परो ग्रंथो बता देते यद वे तद यदि क्रम्य प्रत्येक पथ विषय है यद वे तंड पश्यति पश्चिम वे तंड पश्यति आदि लेकर के आगे क्यों, इसी के उत्तर के लिए चेतन हो तो क्यों नहीं मिलती, क्यों नहीं जानता इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए परो ग्रंथो बता देते थे कहा, यद्वै तद उपक्रम यहाँ से प्रत्येक वस्तु विशुद्ध है आत्म स्वरूप की शुद्धि के लिए कहेंगे, हाँ जानता हुआ नहीं जानता हुआ विशेष ज्ञान नहीं है नहीं जानता, स्वरूप ज्ञान है जानता है इत्यादि कहना है ठीक है। यद्वै तन्नपश्यति इत्यादि संबंधार्थम वृत्तम कीर्त है, यद्वै तन्नपश्यति आदि आगे कंडिका आनी है मंत्र आना है उसके संबंध के लिए पूर्व की बात करते हैं कहा, चैतन्यम इत्यादि कहा था चैतन्य में सियात आत्मा काम कर्मवत, चैतन्य भी नहीं आत्मा में जैसे काम कर्म आदि नहीं है सुषुप्त अवस्था में इच्छा आदि नहीं है आत्मा में चैतन्य भी नहीं है आत्मा जड़ है पूर्वाजी कहना जाता है, धर्म अनन्वयता कोई धर्म नहीं असंसर्ग कहा है आत्मा को, असंग ही आए पुरुष असंग हो नहीं सज्जते कोई धर्म नहीं चैतन्य धर्म कैसे रहेगा आत्मा जैसे काम कर्म आदि आत्मा धर्म नहीं है सुषुप्ति में नहीं पाए जाते
इस प्रकार चैतन्य भी नहीं पाया जाता तो आत्मधर्म नहीं हो, ये गुरुवार ने कहा। इस प्रकार के प्रश्न पर उत्तर देना है। त्रिपुं दृष्टांत वाक्य है ना, परिहार से दर्शन का, त्रिपुरुष के एकता के कारण बाह्य पदार्थ भीतर पदार्थ दोनों अंतर पदार्थ दोनों का ज्ञान नहीं होता, तो होने पर भी अपना ज्ञान होता है उनको, ज्ञान होता हुआ ज्ञान नहीं हो रहा है, विशेष ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान है। ठीक इसी प्रकार वाला सुषुप्ति अवस्था विशेष विषय का अभाव है, क्यों? विशेष विषय उत्पन्न करने वाली जो विक्षेप शक्ति थी वही नहीं, सुषुप्ति अवस्था में विक्षेप शक्ति ने जो विशेष विषय तैयार कर दी थी वही नहीं, इसे विशेष ज्ञान का अभाव है, सामान्य ज्ञान है, यही कारण है। ठीक है, मैं कहते हैं धर्मा कामारी का कामारी जो धर्म है तद्वत चैतन्य से हृदय से धर्म कामादि है, धर्म धर्म कामादि धर्म है तद्वत, जिस प्रकार सुषुप्ति में कामादि नहीं है इच्छा आदि नहीं है तद्वत चैतन्य से अभी सुप्त हेतु अभाव है, सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य का हेतु अभाव है, हेतु नहीं हेतु अभाव में सत्व अयोगा यदि हेतु होता वहाँ सत्व का अयोग है, यह कारण नहीं हुआ इसके अस्तित्व हो नहीं सकता है, वो धर्म है तो वहाँ हेतु नहीं है, धर्म के लिए हेतु नहीं है, इसलिए उक्तम एवं परिहारम अनुग्रह जो कहा था उसी कर्म में कैसे कहा विभाग इत्यादि बोला है, विभाग ही तो सद्भाव सुषुप्त अवस्था में विभक्त करने वाले कोई हेतु नहीं है, विभाग करने वाली हेतु क्या है अविद्या की जो विक्षेप शक्ति वही है जीवात्मा परमात्मा भेद कराने वाली, वो वहां नहीं है, विभाग है तो सद्भाव जागृत मत उपलब्ध थे, जागृत समान उपलब्ध नहीं होता चैतन्य वहां है, चैतन्य सुषुप्त अवस्था में आत्मा का स्वरूप है वहां, जागृत में जैसे उपलब्ध होता है चैतन्य वहां उपलब्धि नहीं है, क्यों? विभाग करने वाले हेतु नहीं है, विक्षेप शक्ति का अभाव है, ये उत्तर दिया है। बाह्य घटादि बाह्य पदार्थ बाह्यम के अंदर में देखा जाए बाह्यम बाह्य घटादि अंतरस्थ सुखादि विभाग ये विभाग होता है, बाह्य और बाहर भीतर का विभाग ही होता है, भीतर में सुखादि है बाहर में घटादि है, उस विभाग करने वाली हेतु क्या था विक्षेप शक्ति, वो है नहीं है सुषुप्ति में, चैतन्य का अभाव नहीं है, विक्षेप शक्ति का अभाव होने से वहाँ चैतन्य को उपलब्धि नहीं हो रही है, नहीं जानता है तस्य हेतु उसका तस्य हेतु व्यक्तम अज्ञान, उसका कारण है अव्यक्त अज्ञान नहीं व्यक्त अज्ञान, व्यक्त अज्ञान माने विक्षेप शक्ति, विभाग का कारण विक्षेप शक्ति है, तद अभाव उसका अभाव होने से वहाँ चैतन्य को उपलब्धि नहीं हो रही, सुषुप्ति में सिद्धांत ने कहा। चैतन्य में क्यों उपलब्धि किसकी रही, चैतन्य की उपलब्धि नहीं हो रही, विभाग का हेतु न होने का यत्वंतर वा अन्य हेतु भी है, अविभागात्मता व्यातम न पुनः काम कर्म भवत, उस काल में अविभाग स्वरूप है, एकत्व प्राप्त कर रखा है, काम कर्मादि के समान नहीं हो, काम कर्मादि समान है वो जो चैतन्य है अविभाग रूप है सुषुप्ति अवस्था में, एक अद्वैत ब्रह्मणा एक ही भूतम, जब अद्वैत ब्रह्म है उसे एक हो रखा है, इसलिए वहां पर विशेष ज्ञान का अभाव हुआ है, विशेष वस्तु नहीं है इसलिए विशेष ज्ञान का अभाव है, न असत्व अनुपलब्धि हेतु हो, तो उपलब्ध नहीं होना अनुपलब्धि हेतु नहीं, अनुपलब्धि का हेतु असत्व नहीं है, न होने से नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, नहीं वास्ता है इसलिए असत है ऐसा नहीं कह सकते, अनुपलब्धि होना अधेरे में घट है उपलब्धि नहीं होती, नहीं है कहना उसको ऐसा नहीं कहा, न पुनर्व इत्यादि कहा है। न पुनः काम कर्मवत इत्यादि कहा, काम कर्म के समान नहीं है, तदेव तत्र अदृष्टि कारणम किम नश्य तत्र तदेव तो असत्वमेव तत्र अदृष्टि कारण अदृष्ट न दे आए नहीं, इसलिए नहीं देखता सुषुप्ति भाषा क्यों नहीं आए नहीं हो, इसको क्यों नहीं माना जाए, गुरुवाद ने कहा साधितम च प्रयत्न स्वयं ज्योतिष आत्मा का जो स्वयं ज्योतिष रूप है वह पूर्व प्रयत्न पूर्वक सिद्ध किया कहा गया, तत्र चौदह यदि गुरुवारी बोलता है पहले सिद्ध किया है आत्मा स्वयं ज्योतिषम बागारिवत औपचारिक में जहाँ संख्या तस् अन्य अनुभाषक
तस्य सर्वभाषकत्वात् नैव। पूर्वादि बोलता है कि महाराज स्वयं ज्योतिष तो आत्मा में है ना, जैसे बाघ आदि का होता है, जैसे बाघ आदि को ज्योति बोलते हैं, अपने विषय को जानता है, बाघ जानती है अपने विषय को, अभिधेय वस्तु को जानती है, बोलती है, चक्षु आदि भी अपने विषय को जानते हैं, वो भी ज्योति माना जाता है, उसके समान गौण प्रयोग है, ये पूर्वादि कहता है। आत्मा स्वयं ज्योतिषम, आत्मा में जो स्वयं ज्योतिष है भागादिवत औपचारिक, जैसे भागादि को कहा उस जो ज्योति बोला उसी प्रकार गौण है, वो गौण है। इतिहास शंका पूर्वादि के तो उत्तर देते हैं, तस् अन्य अनुभाष्यत्व तस् सर्वभाषकत्व, अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं है वो आप स्वयं ज्योति चैतन्य, और सबका प्रकाशक है, वाणी ऐसे नहीं अन्य के द्वारा प्रकाशित है बाघ आदि में, और इसमें पांता रहेगा ये कहते हैं। तस्य माने स्वयं ज्योतिष अन्य अवभाष्यत्व, अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता वो, और तस्य माने स्वयं ज्योतिष का सर्वभाषकत्व, सर्व प्रकाशक है माने सबको प्रकाश करता है, अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता वो स्वयं ज्योतिष ऐसा है। बाघ आदि ऐसे नहीं अन्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं, आत्मा से प्रकाशित होते हैं, इसलिए दृष्टांत एक नहीं कहा की काम करते, प्रयत्न लगा, प्रयत्न लगा करके प्रयत्न पूर्वक सिद्ध किया था, पहले कहा स्वर्ण ज्योतिष तत्र चौदह यदि उस विषय में पूर्वादि शंका करता है, यदि इत्यादि कहा, यदि आत्मा स्वर्ण ज्योति काम कर्माधिपत कथम सुषुप्त स्वभावत्वा जया चैतन्य मित्रता नहीं है, यदि आत्मा एवं स्वयं ज्योति, आत्मा यदि स्वयं ज्योति हो, स्वयं प्रकाश हो, तो काम कर्माधिपत कथम सुषुप्त स्वभावत्वा जया, जैसे काम कर्मादि को त्याग देता है सुषुप्त में इच्छा आदि को नहीं होती, अब अगर स्वभाव हो तो इसको क्यों त्यागता है, इसको स्वभाव हो तो नहीं त्यागना चाहिए, क्यों काम कर्मादि स्वभाव नहीं थे इसलिए त्याग दिया, तो यदि स्वभाव हो चैतन्य तो सुषुप्त में क्यों त्यागता, क्यों नहीं जानता विषय को, इस शंका पूर्वादि की है। ठीक है, कहते हैं आत्मा चिद्रूप चेत, आत्मा यदि चेतन स्वरूप हो, मान पूर्वादि के मत में आत्मा जड़ है, यही है, आत्मा चिद्रूप चेत कामादिवत चैतन्य न तेज, कामादि जैसे त्याग देता ना विद्रेक, चैतन्य को नहीं त्यागना चाहिए, कामादि स्वरूप नहीं थे त्याग दिया, यदि चैतन्य स्वरूप हो तो नहीं त्यागना चाहिए, कहते स्वभाव से त्याग होगा, अपना स्वरूप का त्याग कोई नहीं कर सकता, अपना स्वभाव स्वरूप का त्याग नहीं हो सकता, यदि चैतन्य स्वरूप हो तो क्यों त्यागता है सुषुप्त में, तैतन्य अयोगा तैतन्य नाश स्वभाव है, धर्म आत्मा का धर्म नहीं है, चैतन्य स्वभाव भी नहीं है, सत्य आत्मनि स्वापे तदभागा, यदि आत्मधर्म होता तो सुषुप्त में पाया जाना चाहिए, आत्मा सुषुप्त में आत्मा है, सत्य व आत्मनि आत्मा के होते हुए होने पर भी स्वापे सुषुप्त अवस्था में तदभागा चैतन्य भाव, चैतन्य का भाव संयोगाधिपत आगंतुक नहीं, चैतन्य आगंतुक है, जागृत स्वप्न में आ जाता है, सुषुप्त में चला जाता है, संयोग जैसा है, जैसे संयोग आया गया संयोगाधिपत आगंतुकत्व भी, आगंतुक मान्य पर भी, मान्य पर भी नाशो आत्मा स्वतो धर्म, फिर भी आत्मा का धर्म नहीं माना जाएगा, क्यों तब धर्मत्व भी आत्मधर्म मान्य पर भी संयोगादि के समान आगंतुक है, आत्मधर्म मान्य पर भी तथा वह सुख तो तब नाश है, उसी प्रकार सुसुप्त में उसका नाश हो जाता है, नाश होता तस्मात आत्मा जड़े, इसलिए आत्मा जड़ी है, ये पूर्वादि का शंका यही है, आत्मा चेतन नहीं है, जड़ है, किंच और भी आदित्य अप्रकाश बोलने में जितना होगा उतना ही यहाँ भी बोला जाए विरोधी बात, आदित्य सूर्य और अप्रकाश प्रकाश नहीं करता, ऐसा बोलना जितना होगा वैसा ही यहाँ चैतन्य मानना और नहीं जानता मानना, आदित्य अप्रकाश कहने के समान है, आदित्य माने प्रकाश रूप है आदित्य और अप्रकाश बोलना विरोध, ठीक इस प्रकार यहाँ भी आत्मा को चैतन्य मानना और नहीं जानता नहीं देखता नहीं जानता बोलना विरोध है, किंच आदित्य अप्रकाश है दिवत, जैसे आदित्य अप्रकाश है विरोधी बात है इसे बोलना, ठीक इस प्रकार स्वयं ज्योति न पश्यति, आत्मा स्वयं ज्योति है नहीं देख नहीं जानता, ये कहना व्याहतम व्याघात है विरोध है, अपि इत्यादि शब्द से कहा अपि प्रतिषिद्धम च यद स्वयं ज्योतिरात्मक प्रत्येक वस्तु न व्यक्ति भवते हा विधीयते, अपि प्रतिषिद्धम पूर्वाधिकार है विरोध भी बोल रहे हैं आप, न यद
स्वयं ज्योतिरात्मक हो, जो स्वयं ज्योति स्वरूप वो मान आत्मा को ज्योति स्वरूप कहना, और प्रत्येक वस्तु को ऐसा मानना मैंने आत्मा वस्तु को चाहे स्वयं ज्योति स्वरूप कहना, न व्यक्ति बोलना, नहीं जानना बोलना। भगवता यह विधि से आपके द्वारा ऐसा कहा जाता है, विरोधी बात कही जाती है, ये पूर्वाजी ने कहा। ठीक है, यह थी स्वाभोक्ति, यह शब्द करता सुषुप्ति अवस्था में नहीं जानना बोला। स्वयं प्रकाश मानते हैं, स्वयं ज्योति मानते हैं और नहीं जानता बोलते हैं। स्त्री वाक्य उत्तम समाधि में हरकत है, समाधि की शंका को मान उत्तर समाधान की शंका करते सिद्धांत, अरे बाबा होते हुए भी नहीं जानता। सुषुप्ति अवस्था में जैसे स्त्री पुरुष एकता हो जाते हैं, मान जब जिस काल में उस काल में उनको बाहर का विषय ज्ञान नहीं होता, होते हुए अपना ज्ञान है, उनको चेतन है, वो बाहर भीतर के नहीं जानते। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के साथ एक हो रखा उस काल में, परमातृत्व नहीं रहा उस काल में, इस कारण से वो नहीं जानता, विशेष ज्ञान नहीं होता। ये समाधान देना चाहते सिद्धांत, उसका भी खंडन करेगा वो। स्त्री वाक्योत्तम समाधि में संगत है, संगत है सिद्धांत ऐक्यात इत्यादि का ऐक्यात अनुपलब्धि से वहाँ एकता हो गई परमात्मा के साथ, इसलिए उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। परमात्मा के साथ एकता है, ऐक्यात अनुभव अनेकांतिका तथा स्थिति में अनेकांतिका व्यभिचार होगा। फिर पूर्वादि बोलता है कैसे व्यभिचार होगा, ठीक है कहा तथा यदि ऐक्यात अनुपलब्ध स्वीकारे सती, यदि ऐक्य होने से उपलब्धि नहीं होनी चाहिए नहीं कैसे स्वीकार करने पर तो क्या होगा, तो कहा अनेकांतिकत्व हेतु ब्रह्मणा ऐक्यम विद्यमान से चैतन्य से अनुपलब्धिया, ब्रह्म के साथ ऐक्य जो है ना विद्यमान चैतन्य के अनुपलब्धि होने से न नियतम दूसरे के पूर्वाजि में नियत नहीं है, फिर चैतन्य हमेशा होना संभव नहीं, ब्रह्म के एक होने पर चैतन्य अभाव। ब्रह्मणा ऐक्यम विद्यमान से चैतन्य से अनुपलब्धिया, ब्रह्म में जो एकता है उसके कारण विद्यमान चैतन्य की अनुपलब्धि से होने से न नियतम, नियत नहीं रहा चैतन्य, कभी होना कभी नहीं होना, विद्यमान होते हुए नहीं मिल रहा हुआ चैतन्य ब्रह्म के साथ एकता होने पर नियत नहीं। दूसरे पूर्व दूषित करता है अनेकांत इत्यादि बोला था पूर्वादि काल, अनेकांत करता था उस काल में अनेकांत व्यभिचारी दोष होगा, ये तो व्यभिचारी हो जाएगा तथा यदि ऐक्यात अनुलोप स्वीकार है सभी ऐक्य होने के कारण उपलब्धि नहीं हो रही चैतन्य की, चैतन्य की ऐसा मानने पर अनेकांतिकता है तो वहाँ अनेकांत क्या यथा इत्यादि कहा, ये तो अभाव संविद्य चैतन्य से ही है दृश्य थे, जैसे चैतन्य का जहाँ अभाव है पाषाण है पत्थर में चैतन्य नहीं है, वहाँ भी अनुपलब्धि है और यहाँ भी अनुपलब्धि है, इसलिए आत्मा चढ़ है ये गलत जाता है गुरुवार। लोके पाषाण आदि लोक जो पत्थर आदि हैं पाषाण आदि हैं जड़ पदार्थ हैं चैतन्य से अभाव भी अनुपलब्धि, चैतन्य का अभाव जहाँ अभाव है वहाँ भी अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि समान हो गया। अब चैतन्य जहाँ मानते हैं वो अनुपलब्धि और जहाँ चैतन्य जो अनुपलब्धि समान है, तो सुषुप्ति में ब्रह्म के साथ एक होने से अनुपलब्धि कहते हैं आप, उपलब्धि नहीं होती चैतन्य की, तो मन जागृत आदि में जो पाषाण आदि है पत्थर आदि चैतन्य का अभाव स्थान में भी अनुपलब्धि समान है, ये पूर्वाजी का। अच्छा लोके पाषाण आदो चैतन्य से अभाव भी अनुपलब्धि ऐक्य से तत्प्रयोजन बन जाएगी, ऐक्य का प्रयोजक जो आपने माना था अनुपलब्धि को कहा था तो व्यभिचार हो गया, जहाँ पर नहीं है वहाँ भी अनुपलब्धि है। उत्तर आदत्य सिद्धांत उत्तर देते हैं इत्यस्य इत्यादि कहा, इत्यस्य परिहाराथम पर ब्रह्म बता देते हैं यदि तदित ब्रह्म प्रत्येक वत सिद्धाय कहते हैं, इसी बातों को उत्तर देने के लिए आगे का ग्रंथ है यदि तन्न पश्यति पश्चिम वही तन्न पश्यति आदि ठीक है। स्वप्रकाशम तन्न जड़म सिद्धांत के क्या कह रहा है, स्वयं प्रकाश है चैतन्य आत्मा, स्वयं प्रकाश है जड़ नहीं, न जड़म की तद विशुद्धि, वही यही विशुद्धि है आत्मा की विशुद्धि क्या है, वो चेतन है जड़ नहीं है, यही विशुद्धि है तद विशुद्धि तदर्थ उसी के लिए चौद्यम समाधेयम पूर्वादि के संज्ञा का समाधान करना चाहिए, तदर्थ उसी विषय को लेकर यद्वै तद इत्यादि प्रवृत्ति यदि तन्न पश्यति पश्चिम में तन्न पश्यति जाएगी प्रवृत्ति, इसलिए आत्मा जड़ नहीं है चेतन है ये सिद्ध करना है, आत्मा की विशुद्धि माने जड़ जड़त्व की शंका का निराकरण करके चेतन में स्थापित करना, ये विशुद्धि है, इसके लिए आगे का वाक्य है कहा।
आगे कांडिका है, मंत्र है। यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति नहि द्रष्टु दृष्टेर विपरीतो विद्यते अविनाशित्वात् न तु तद्द्वितीयमस्ति ततो अन्यत् विभक्तं यत् पश्येत् यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति नहि द्रष्टु दृष्टेर विपरीतो विद्यते अविनाशित्वात् न तु तद्द्वितीयमस्ति ततो अन्यत् विभक्तं पश्येत् यत् जो तत् माने तत्र सुषुप्ति अवस्था में तन न वही पश्यति नहीं देखता है, बोलते हो तुम, बोलते हो पूर्व सिद्धांत ही बोल रहे हैं तुम, ऐसा जो बोलते हो सुषुप्ति अवस्था में नहीं देखता है जो बोल रहे हो। अरे बाबा पश्चन वही तन पश्यति वहाँ भी देखता हुआ नहीं देख रहा है, स्वरूप का ज्ञान है, जानता हुआ नहीं जानता, स्वरूप ज्ञान, स्वरूप ज्ञान का अभाव नहीं है, विशेष ज्ञान का अभाव है। पश्चन वही तन पश्यति जानता हुआ नहीं जानता, स्वरूप को जानता हुआ अन्य को नहीं जानता, क्योंकि विषय का अभाव है, विक्षेप शक्ति के अभाव होने के कारण अन्य को नहीं जानता। तो वहाँ द्वितीय पदार्थ है ही नहीं, विक्षेप शक्ति का अभाव है। पश्चन वही तन पश्यति देखता हुआ जानता हुआ फिर नहीं जानता, ऐसी स्थिति है, जानता हुआ स्वयं को जानता हुआ, स्वयं का ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान है, और पर ज्ञान नहीं, पर विषय नहीं उस काल में, सुषुप्त अवस्था में पर विषय को बनाने वाली शक्ति नहीं, वहाँ विक्षेप शक्ति नहीं है। नहीं द्रष्टुर दृष्टि विपरीत रूप विद्यते अविनाशित्व, दृष्टा की जो दृष्टि अच्छा दृष्टारूप जो दृष्टि, दो अर्थ करेंगे, दृष्टा माने प्रमाता, प्रमाता के दृष्टि माने साक्षी, जो प्रमाता का भी ज्ञान होता है, जो जानता है, प्रमाता की जो साक्षी है, अथवा दृष्टा माने साक्षी, साक्षी की जो दृष्टि, साक्षी रूप जो दृष्टि, दोनों अर्थ होगा। नहीं द्रष्टुर दृष्टि विपरीत रूप विद्यते, अभाव नहीं होता दृष्टा की दृष्टि के, कभी अभाव नहीं होता, विपरीत स्वभाव नहीं होता। अविनाशित्व आपके दृष्टा की जो दृष्टि है माने साक्षी, दृष्टा दृष्टा या प्रमाता, उसके जो दृष्टि माने साक्षी, तो प्रमाता को भी जिसको ज्ञान होगा ये प्रमाता है करके, तो वो अविनाशी है, उसके दृष्टि का कभी अभाव नहीं होता, तत्दृष्टि रूप है, साक्षी का कभी अभाव नहीं होता, साक्षी है वह, जानता है सुषुप्ति न तो तद्वितीय वस्तु ही, उस काल में ना द्वितीय वस्तु तत्व तत्र उस स्थिति में वहाँ सुषुप्ति अवस्था द्वितीय नहीं, दूसरी वस्तु नहीं है, विशेष ज्ञान जिसका होना था वो वस्तु नहीं है, विक्षिप्त शक्ति का अभाव होने से कहा द्वितीय वस्तु, ततो अन्य विभक्तम पश्यत, ततो अन्य विभक्तम पश्यत, उससे भिन्न को जो जान सके वो वस्तु नहीं हुआ, विशेष ज्ञान का अभाव इसलिए भिन्न वस्तु नहीं हुआ, उस केवल दृष्टा की दृष्टि है, दृष्टा रूप जो दृष्टि है वह साक्षी है, ज्ञान होता है, स्वयं का ज्ञान होता है, तो जागृत में आगे बोलता है सुखम अश्वासम कहता है, अपना ज्ञान का अभाव है ना, आराम से सोया बोलता है। तो ये कहा न तो तद्वितीय अवस्थी, वो उस काल में तत्र सुषुप्ति अवस्था में द्वितीय वस्तु नहीं है, तत्व इस कारण से अन्य विभक्तम पश्य, अन्य जो विभक्त पदार्थ अपने से भिन्न पदार्थ को जान सके ऐसा वस्तु नहीं हुआ, क्यों जो विभाग करने वाली शक्ति थी विक्षेप शक्ति, विक्षेप शक्ति नहीं हुआ, जागृत स्वप्न में विभाग किया विक्षेप शक्ति नहीं किया, उसका अभाव है विक्षेप शक्ति सुषुप्ति, एक बात टिप्पणी एक नंबर भी है। स्त्रीपुंस परिसंग दृष्टान्त दे रहा, स्त्री पुरुष का जो परिसंग दृष्टान्त दिया था पूर्व कंड ने दृष्टान्त के द्वारा, एकत्वापत्तिवशात या आत्मा एकत्व भाव में हो रखा है, देहादि भाव में नहीं है, प्राज्ञ रूप में है, एकत्व प्रतिवशात विशेष विज्ञान अभाव हो, विशेष विज्ञान का अभाव है उसका, ये घट है पट है मनुष्य ज्ञान नहीं है, न स्वयं ज्योतिष अभाव, न स्वयं ज्योतिष का अभाव नहीं है, स्वयं ज्योतिष स्वयं प्रकाश स्वरूप है आत्मा भाव सुषुप्ति में भी अभाव, यदि उत्तम एवं जो कहा था पूर्व में इसी को ही चौद्य पूर्व में प्रश्न प्रश्नपूर्वक उत्तर देते हैं, प्रश्न करेगा पूर्वादि उत्तर होगा, यद्वै इत्यादि शब्दों से प्रश्न किया पूर्वादि ने, यद्वै तन्न पश्यति यत् माने जो तत् माने तत्र, नवै पश्यति नहीं जानता है, आत्मा जड़ है
यदि चेतन होता तो वहाँ भी जानना चाहिए, सुषुप्ति अवस्था में जानना चाहिए, नहीं जानता, जड़ है, ये पूर्वादि का कहना है। तत्मन तत्र सुषुप्त तत्मन तत्कार तत्र, और तत्र माने क्या, तो सुषुप्ति में आत्मा या आत्मा नवई माने नैव पश्यति, नहीं जानता, पूर्वादि का लंका यही है, न ये जानी से न पश्यति, ऐसा जो तुम जानते हो नहीं जानता आत्मा पर जानते हो, वहाँ भी आत्मा जानता ही जानते हैं, ये जानी से तन्न तथा, वैसा नहीं समझना आत्मा नहीं जानता, उसका आत्मा नहीं जानता है, सुषुप्ति में भी जानता है, सामान्य ज्ञान उसको है। यतः तत्र स्वरूप चैतन्य न सर्वसाक्षित्व, स्वरूप चैतन्य के द्वारा सबका साक्षी होगा, आभा भाव सबका साक्षी है, विषयों का अभाव है उसका आदमी उसका साक्षी हो रहा हो, जान रहा हो, विशेष विषय नहीं है, अभाव है, अभाव को जान रहा हो, ठीक है। तत्र बल सुषुप्त अवस्था में स्वरूप चैतन्य न स्वरूप चैतन्य के माध्यम से सर्व साक्षित्व पश्चन एवं सन, देखता हुआ ही होता हुआ, द्रष्टव्य अर्थ जात्र न पश्चिम, देखने योग्य वस्तु नहीं थे इसलिए नहीं जानता है, नहीं देखता है, उसमें देखता हुआ नहीं देखता है, मतलब जानता हुआ नहीं जानता, अपना स्वयं ज्ञान है, अन्य का ज्ञान नहीं है, अन्य वस्तु नहीं है, द्रष्टव्य विषय का अभाव के कारण विशेष ज्ञान का अभाव है, ठीक है। सन दृष्टि न पश्यति इतने भी संभव नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना, अर्थ नहीं सिद्धांत है, स्वरूप दर्शन विशेषा दर्शन का प्रतिज्ञा है, दो बातें दो प्रतिज्ञा करते हैं, पश्यन वही तन्न पश्यति के द्वारा दो प्रतिज्ञा करते हैं, स्वरूप का ज्ञान है, अन्य का ज्ञान नहीं है, पश्यन वही तन्न पश्यति का यह अर्थ होगा, दो प्रतिज्ञा वाक्य है, पश्यन वही एक, दूसरा तन्न पश्यति दूसरा प्रतिज्ञा है। तथा प्रथम प्रतिज्ञा में हेतु वहाँ प्रथम प्रतिज्ञा पश्यन वही बोला हुआ है, देखता हुआ ही ये प्रतिज्ञा वाक्य, इसी स्थिति में हेतु देते हैं, नहीं द्रष्टु दृष्टि अविनाशित्व, ये हेतु वाक्य है, पश्चिम वही का एक प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए नई दृष्टि दृढ़ विपरीतों को विद्युत अविनाशित ये हेतु है, एक पढ़ने नहीं का दृष्टु माने प्रमातु, दृष्टु का अर्थ है श्रुति में जो दृष्टु शब्द है उसका प्रमाता, प्रमाता का या सर्वसाक्षी भूता दृष्टि, सबके साक्षी रूपा जो दृष्टि है, सब साक्षी है जो प्रमाता की जो साक्षी है, यदा दृष्टु कुटस्थ चिन्मात्र अथवा दृष्टा का अर्थ ही करना कूटस्थ चिन्मात्र स्वरूप द्रष्टु नहीं द्रष्टु विपरीतों को विद्य नहीं द्रष्टु दृष्टि है ना, द्रष्टु का अर्थ या तो साक्षी लेना या कूटस्थ चिन्मात्र स्वरूप लेना, द्रष्टु का अर्थ स्वरूप भूता या दृष्टि उसका स्वरूप 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 जो दृष्टि है स्वरूप भूत जो दृष्टि है तस्या उस दृष्टि का ही माने अस्पात विपरीत लोग विनाश हो विद्य थे उसका अभाव नहीं होता साक्षी के कभी अभाव नहीं होता। अग्नि उष्ण जैसे अग्नि का अग्नि की उष्णता जब तक अग्नि है तब तक है विनाश नहीं होता उष्णा उष्णा विनाश तो अग्नि नहीं रहेगा स्वरूप ही नहीं रहेगा अग्नि उष्ण तो तत्रापि हेतु उसमें हेतु देते हैं अविनाशित्वात् दृष्टा की दृष्टि के अभाव नहीं होता क्यों होता अविनाशी दृष्टि है विनाशी दृष्टि नहीं है अविनाशित्वात् ये स्थिति में कहा ये पद आगे कहते हैं टीका में कहते हैं विनाश हेतु परिणाम हीनत्वाद है विनाश का कारण नहीं हुआ विनाश का कारण नहीं है साक्षी को विनाश करने वाला कोई है कारण नहीं है विशेष ज्ञानाभाव रूपम द्वितीय प्रतिज्ञा है जो न पश्यति बोला है पश्यन भाई तन्न पश्यति उस अवस्था में नहीं देखता देखता हुआ नहीं देखता नहीं देखता क्यों विशेष विज्ञान नहीं है न पश्यति का नहीं है कहा न तो तद द्वितीय वस्तु बोलते हैं दूसरा पदार्थ है नहीं उस काल में सुषुप्ति काल में दूसरे वस्तु नहीं है जिसको देखे न तो तद द्वितीय वस्तु ततो अन्य विभक्तम यद पश्य जिस वस्तु को वहां से भिन्न होकर के देखे ऐसे वस्तु नहीं है ठीक है कहते हैं तत्पर तत्र तद द्वितीय न तो तद द्वितीय वस्तु तत्पद करता तत्र सुषुप्त सुषुप्ति अवस्था में आत्मस्वरूप अथवा आत्मस्वरूप होने सब वस्तु आत्मस्वरूप को रखे हैं द्वितीय प्रमात्र रूपम दूसरा तो प्रमाता आई नहीं वहाँ सावासांतर प्रमात्र मन क्या होता है सावासांत अंतकरणाख्यम चिदाभास के सहित अंतकरण को ही प्रमाता कहा जाता है वहाँ नहीं है उस काल में आत्मस्वरूप अथवा
स्वरूपात अन्यच्च चतुराधिकरणम विभक्तम च रूपादि प्रमेयम न तो अस्ति एक आत्मस्वरूप से अतिरिक्त वस्तु वहाँ चक्षुराधिकरण भी नहीं है जिस साधन से देखना हो और देखने का जो पदार्थ होगा रूपादि विषय हो वो भी नहीं है चक्षुरादि भी नहीं है प्रमाता भी नहीं है दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों नहीं है त्रिकुटी का अभाव जागृत स्वप्न में दृष्टा दर्शन दृश्य तीन होते थे या नहीं है सुसुप्ति में देखिए वहाँ दूसरा पदार्थ नहीं इसलिए नहीं देखता अपना स्वरूप का अभाव के कारण नहीं देखता है नहीं स्वरूप है जिसको जानना था वो नहीं हो पदार्थ इसलिए नहीं देखता बस न तो तद्वितीय अस्ति तथो अन्य विभक्तम पश्य यत माने प्रमेय जो प्रमेय यदि विभक्त होता तो देखता विभक्ता ही नहीं वहाँ सब आत्मरूप में हो रखे हैं प्रमेय प्रमाता प्रमाण यत माने जो प्रमेय को प्रमाता प्रमाण के द्वारा देखे ऐसा न प्रमाण है वहाँ सुषुप्त अवस्था में न प्रमाता है न प्रमेय है कोई नहीं इसलिए नहीं देखता ये कहा भाष्य टीका फिर करेंगे समय हो गया है नहीं कहते हैं ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णमादि पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य